नमस्कार जी। मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी देश भर से पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में हेल्थ केयर से जुड़े सभी प्रोफेशनल्स, पैरामेडिक्स, नर्सिंग, हेल्थ मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी और रिसर्च से जुड़े सभी महानुभाव देवी और सज्जनों, सबसे पहले तो आप सभी को दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन मिशन को सफलतापूर्वक चलाने के लिए 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत का हेल्थ केयर सिस्टम कितना एफिशिएंट है, किस प्रकार मिशन ओरिएंटेड है, इसे आपने पूरी दुनिया के सामने एस्टैब्लिश किया है। साथियों, ये बजट बीते 7 साल से हेल्थ केयर सिस्टम को रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करने के हमारे प्रयासों को विस्तार देता है और जो बजट के शास्त्र के जानकार लोग हैं वो इस बात को महसूस करते होंगे कि डे वन से हमारी बजट हो या हमारी नीतियां हो, एक कंटिन्यूटी है और प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट है। हमने अपने हेल्थ केयर सिस्टम में एक होलिस्टिक अप्रोच को एडॉप्ट किया है। आज हमारा फोकस हेल्थ पर तो है ही, वेलनेस पर भी उतना ही अधिक है। हम इलनेस के लिए जिम्मेदार फैक्टर्स को दूर करने, वेलनेस के लिए समाज को प्रोत्साहित करने और बीमारी की स्थिति में इलाज को इंक्लूसिव बनाने पर फोकस कर रहे हैं। इसलिए स्वच्छ भारत मिशन हो, फिट इंडिया मिशन हो, पोषण मिशन हो, मिशन इंद्रधनुष हो, आयुष्मान भारत हो, जल जीवन मिशन हो, ऐसे सभी इनिशिएटिव्स को हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेकर जाना है। साथियों, जब हम हेल्थ सेक्टर में होलिस्टिक और इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं तो इसमें 3 फैक्टर्स का समावेश कर रहे हैं। पहला, मॉडर्न मेडिकल साइंस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स का विस्तार। दूसरा, आयुष जैसी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति में रिसर्च को प्रोत्साहन और हेल्थ केयर सिस्टम में उसका एक्टिव एंगेजमेंट। और तीसरा, मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के हर व्यक्ति, हर हिस्से तक बेहतर और अफोर्डेबल हेल्थ केयर सुविधाएं पहुंचाना। इसके लिए हमने हेल्थ सेक्टर के बजट में काफी वृद्धि की है। साथियों, हम भारत में ऐसा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं जो सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित ना हो। और आपने देखा होगा कि एक विषय लेकर के मैं लगातार दुनिया के सामने बात कर रहा हूं।
खास करके कोरोना के बाद, और मैं कह रहा हूं वन अर्थ वन हेल्थ, इसी स्पिरिट को हमें हिंदुस्तान में भी वन इंडिया वन हेल्थ इस मिशन को भी वैसे ही यानी दूर दराज के क्षेत्रों में भी समान व्यवस्थाएं विकसित करना है। हमारा प्रयास है कि क्रिटिकल हेल्थ केयर सुविधाएं ब्लॉक स्तर पर भी हो, जिला स्तर पर भी हो, गांवों के नजदीक भी हो, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना और समय समय पर अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर और दूसरे सेक्टर्स को भी ज्यादा ऊर्जा के साथ आगे आना होगा। साथियों, बेहतर पॉलिसी के साथ ही उनका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए जरूरी है कि ग्राउंड पर जो लोग पॉलिसी को उतारते हैं उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। इसके लिए इस बजट में हमने 2 लाख आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ियों में अपग्रेड करके उन्हें और सशक्त बनाने का प्रावधान किया है। यही बात पोषण 2.0 पर भी लागू होती है। साथियों, प्राइमरी हेल्थ केयर नेटवर्क को सशक्त करने के लिए 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के निर्माण का काम भी तेजी से चल रहा है। अभी तक 85,000 से अधिक 85,000 से ज्यादा सेंटर्स रूटीन चेकअप, वैक्सीनेशन और टेस्ट की सुविधा दे रहे हैं। इस बार के बजट में इनमें मेंटल हेल्थ केयर की सुविधा भी जोड़ी गई है। इसे ज्यादा से ज्यादा आबादी तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, जागरूकता कैसे बढ़ाई जाए, इसके लिए हम सबको मिलकर के आपको भी अपने प्रयास बढ़ाने ही चाहिए। साथियों, बेहतर हेल्थ इंफ्रा सिर्फ सुविधा ही नहीं बल्कि ये हेल्थ सर्विस की डिमांड भी बढ़ाता है, जो रोजगार बढ़ाने का भी बहुत बड़ा माध्यम है। बीते सालों में जैसे जैसे हेल्थ सर्विसेज इसकी डिमांड बढ़ रही है, उसके अनुसार ही हम स्किल्ड हेल्थ प्रोफेशनल तैयार करने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसलिए बजट में हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ केयर से जुड़े ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए पिछले साल की तुलना में बजट में बड़ी वृद्धि की गई है। मेडिकल एजुकेशन से जुड़े रिफॉर्म्स और मेडिकल कॉलेजों के निर्माण में इससे जुड़ी हमारी प्रतिबद्धता से आप सभी भली भांति परिचित है। इन रिफॉर्म्स को टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आगे कैसे बढ़ाया जाए, क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन को और इम्प्रूव कैसे किया जाए, अधिक इंक्लूसिव और एफोर्डेबल कैसे बनाया जाए, इसके लिए कुछ कंक्रीट स्टेप्स एक तय समय सीमा में आपके तरफ से लिए जाने चाहिए। साथियों, हेल्थ केयर से जुड़े हमारे ऑब्जेक्टिव्स, बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ी रिसर्च, मेडिसिन्स और मेडिकल इक्विपमेंट्स में आत्मनिर्भरता के बिना हासिल नहीं हो सकते।
कोरोना काल में हमने ये अनुभव भी किया है, जेनरिक बल्क ड्रग्स, वैक्सीन और बायोसिमिलर्स के क्षेत्र में विकास की संभावनाओं को हमें टैप करना है। इसलिए हमने मेडिकल इक्विपमेंट्स और दवाओं के कच्चे माल के लिए पीएलआई स्कीम शुरू की है। साथियों, कोरोना वैक्सीनेशन में कोविन जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कंज्यूमर और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के बीच एक आसान इंटरफेस उपलब्ध कराता है। इससे देश में उपचार पाना और देना दोनों बहुत आसान हो जाएंगे। इतना ही नहीं, ये भारत के क्वालिटी और अफोर्डेबल हेल्थ केयर सिस्टम की ग्लोबल एक्सेस भी आसान बनाएगा। इससे मेडिकल टूरिज्म बढ़ेगा और देशवासियों के लिए इनकम अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। इस वर्ष के बजट में इस मिशन को सशक्त करने के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के नाम से एक ओपन प्लेटफॉर्म की बात की गई है। इस प्रकार के नए कदमों से स्कोप और इंपैक्ट पर हमें गंभीरता से चर्चा करनी होगी। साथियों, कोरोना काल में रिमोट हेल्थ केयर, टेलीमेडिसिन, टेली कंसल्टेशन लगभग 2.5 करोड़ मरीजों के लिए समाधान बनकर के आया। शहरी और ग्रामीण भारत में हेल्थ एक्सेस डिवाइड को कम करने में ये टेक्नोलॉजी बहुत काम आ सकती है। अब तो हम देश के हर गांव में फाइबर नेटवर्क पहुंचा रहे हैं। 5G टेक्नोलॉजी भी अब आने में देर नहीं होने वाली है। 5G टेक्नोलॉजी के उपयोग से रिमोट हेल्थ केयर को जमीन पर उतारने के लिए हमारे प्राइवेट सेक्टर को अपनी भागीदारी बढ़ानी चाहिए। हमारे गांवों में इतनी डिस्पेंसरीज हैं, आयुष के सेंटर्स हैं, उनको हम शहरों के बड़े प्राइवेट और पब्लिक अस्पतालों के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। रिमोट हेल्थ केयर और टेली कंसल्टेशन को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, इस पर भी आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। ड्रोन टेक्नोलॉजी का हेल्थ केयर में अधिक से अधिक उपयोग बढ़ाने के लिए हेल्थ सेक्टर से जुड़े हमारी प्राइवेट कंपनियों को भी आगे आना होगा। साथियों, आयुष की भूमिका तो आज पूरी दुनिया भी मान रही है। हमारे लिए गर्व की बात है कि WHO भारत में अपना विश्व में अकेला ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन शुरू करने जा रहे हैं। अब ये हम सभी पर निर्भर करता है कि अपने लिए भी और दुनिया के लिए भी हम आयुष के बेहतर समाधान कैसे तैयार करें। कोरोना का ये कालखंड हेल्थ केयर और फार्मा के मामले में भारत के सामर्थ्य से दुनिया को परिचित कराने का भी है। इसलिए इस वेबिनार से टाइमलाइन के साथ
जरूरी एक्शन प्लान निकलेगा तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी सेवा होगी। और भी मैं एक बात बताना चाहूंगा, खास करके प्राइवेट सेक्टर के साथियों से। आज हमारे बच्चे पढ़ने के लिए, खास करके मेडिकल एजुकेशन के लिए, दुनिया के छोटे छोटे देशों में जा रहे हैं। वहां लैंग्वेज भी प्रॉब्लम है, फिर भी जा रहे हैं। देश का अरबों खरबों रुपया बाहर जा रहा है। क्या हमारे प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ी मात्रा में इस फील्ड में नहीं आ सकते? क्या हमारी राज्य सरकारें इस प्रकार के काम के लिए जमीनों को देने में उम्दा नीतियां नहीं बना सकती हैं, ताकि अधिकतम डॉक्टर्स हमारे यहां तैयार हो, पैरामेडिक्स तैयार हो? इतना ही नहीं, हम दुनिया की मांग पूरी कर सकते हैं। हमारे पास जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसका लाभ इस क्षेत्र में हम बहुत, हमारे डॉक्टरों ने पिछले 4-5 दशक से पूरी दुनिया में भारत की इज्जत को बहुत बढ़ाया है। भारत का डॉक्टर जहां भी गया है, उसने उस देश के दिल को जीता है। भारत के डॉक्टर्स की टैलेंट को विश्व का सामान्य से सामान्य नागरिक बहुत अच्छा मानता है। इसका मतलब हमारा ब्रांडिंग हो चुका है। अब हमें योग्य लोगों को तैयार करने में तेजी लानी है। उसी प्रकार से दुनिया की सबसे बड़ी हमारी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम, मैं इसको हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम नहीं कहता हूं, और वो आयुष्मान भारत, एश्योर्ड इनकम है। भारत सरकार ने इंश्योरेंस लिया हुआ है। आपके अस्पताल अगर बड़े बन गए और वो गरीब व्यक्ति वहां आएगा, तो उसका पेमेंट भारत सरकार की व्यवस्था से होने वाला है। आपके लिए पैसों के कारण मरीज नहीं आएंगे, वो स्थिति अब नहीं रही है। क्या मेरे प्राइवेट सेक्टर के लोग टियर 2 टियर 3 सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर के आगे आए? आयुष्मान भारत स्कीम के जो मरीज हैं, उनके लिए स्पेशल फैसिलिटी डेवलप करें? आपको इनकम का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलेगा। यानी इतनी योजनाएं हैं, और इन कामों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये हमारे देश के हेल्थ सेक्टर को बहुत मजबूत बना सकती है। और आपने देखा होगा कि हमारे आयुर्वेद ने बहुत बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त की है, खास करके कोरोना के कालखंड में हमारे हर्बल प्रोडक्ट जो हैं, आज दुनिया में बहुत बड़ा एक्सपोर्ट बढ़ा है। मतलब कि इसके प्रति आकर्षण बढ़ा है। हम सब मिलकर के इन योजनाओं को भी कैसे ले जाएं, मैं चाहूंगा खुले मन से लीडरशिप रोल लेने के लिए, भारत को तैयार करने के लिए आप आइए। सिर्फ बजट के आंकड़ों से बात बनने वाली नहीं है जी। और हमने अब बजट एक महीना प्रीपोन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें फरवरी और मार्च महीना बजट के सारे प्रावधानों के लिए योजनाएं तैयार करने में सुविधा हो। और 1 अप्रैल से ही हमारा नया बजट एक्चुअली जमीन पर फंक्शन करने लगे, ताकि हम कम समय में अधिक से अधिक आउटकम की ओर आगे बढ़ सकते हैं। मैं आप सबका बहुत आग्रह से अनुरोध करता हूं कि आज की इस चर्चा को जीवंत बनाइए। और मैं सरकार की तरफ से ज्यादा भाषणबाजी करने के पक्ष में नहीं हूं, मुझे तो आपसे सुनना है कॉन्क्रीट। क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन करने में कभी एकाध चीज छूट जाती है, तो 6-6 महीने तक फाइलें घूमती रहती है। इस चर्चा से वैसी गलतियां कम से कम होगी। बहुत सरलता से चीजें इम्प्लीमेंट करने के, बहुत सी बातें हमारे अफसरों को भी, हमारी सिस्टम को भी बहुत अच्छा गाइडेंस मिल सका आपसे, ताकि चीजें हम लागू कर सकें।
तो मैं चाहता हूं कि आज दुनिया हेल्थ कॉन्शियस, इस संकट ने बहुत बड़ा बना दिया है, तब हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, धन्यवाद।